हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको बुध ग्रह के शांति उपाय बताऊंगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जा रही है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य से सुनना होगा, वीडियो लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सूचनाएं हैं, ठीक। और मेरे वीडियो लगभग इन्फॉर्मेटिव होते हैं, यदि वीडियो में कोई सूचना ही नहीं हुई तो मतलब क्या है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि सभी की बुध की दशा चलती है, और बुध में फिर छोटी छोटी अंतरदशाएं चलती, बुध में राहु, बुध में गुरु, बुध में शनि, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो और ये बताया जाता है, साहब आपका बुध नीच का है या 6-8-12वें भाव में, या अनिष्ट है, या फिर पापी ग्रहों के साथ में है, या अस्त है, तो आप चिंतित हो जाते हैं कि बुध के क्या उपाय बताएं। तो बुध के शास्त्रोक्त उपाय हैं, बुध के शास्त्रोक्त उपाय उसकी रेमेडी है, बुध का यंत्र है, बुध का मंत्र है। बुध गोचर में यदि खराब हो गया, नीच का हो गया, तो बहुत बुध औषधि स्नान है। और परमानेंट यदि गोचर आपका नीच का है या 6-8-12 भाव में, तो उसके दान क्या होंगे, इस विषय में एक ऑथेंटिक जानकारी आपको शास्त्रों दी जा रही है, आपको ध्यान से सुनना होगा। विष्णु सहस्रनाम जप करने के लिए पाराशर मुनि ने बार बार सुझाया है। ध्यान रहे, हमारे मुनि निस्वार्थ भाव से जनता की भलाई के लिए निरंतर अनुसंधान करते थे, लेकिन आज का युग कलयुग है, ठीक है। जब भी किसी जातक का बुध खराब हो तो विष्णु सहस्रनाम पढ़ के उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः एस्ट्रोलॉजर आपको क्या बोलेगा, बुध आपका बिगड़ गया है तो आप पुखराज पहन लो, ठीक है। बुध के लिए पन्ना पहनने के लिए बात बताएगा, ठीक है। वो ये बात आपको नहीं बताएगा कि विष्णु सहस्रनाम भी विकल्प है, लेकिन सीधे वो पन्ना में लेके जाएगा। कारण क्या है कि पन्ना यदि आप उसके कहने पर लेते हो, तो सामान्यतः एस्ट्रोलॉजर आजकल अपने स्वयं से पन्ना बेचने लगे, नगीने बेचने भी लगे हैं, जैसे डॉक्टर लोग करते थे। तो आपको यही खास बात बता रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि पन्ना ही धारण करो। पन्ना के लिए तो ऋषि पाराशर ने बोला ही नहीं, ऋषि महाराज ने विष्णु सहस्रनाम का जप के लिए बोला। सभी लग्न में किस भाव में बुध अनिष्टकारी होंगे, यह प्रत्येक लग्न के अनुसार विवरण भी आगे आपको बताया जाएगा। यदि आप इस वीडियो में थोड़ा रुकते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। इस तरीके से जैसे आपकी कर्क लग्न है, तो किस तरीके से आपका बुध खराब होगा और पूरी लग्न का विश्लेषण भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार है, रुके। यदि आप भागो भागोगे तो मिलेगा कुछ नहीं, है ना। मेरे द्वारा सभी ग्रहों के उपाय संबंधी वीडियो चैनल में अपलोड किए जा रहे हैं, कृपया आपकी इच्छा हो तो देख सकते हैं। अभी तक मैंने सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का बना दिया, आज मैं बुध का बना रहा हूँ, ठीक है। यंत्र चिंतामणि ग्रह ये बुक है, यंत्र चिंतामणि में एक नवग्रह का पूरा बना दिया है। ये नवग्रह का है, पूरा स्त्रोत है। तो आप इस प्रकार का टेवा बना के इसी क्रम से बुध, शुक्र, चंद्र, गुरु, राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य, कागज में आप जो है काय की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी मिल जाए चलेगा, ठीक है। तुलसी ना मिले तो पीपल पत्ती की, पीपल की डंठल से बना लें, ठीक है। या फिर और अभी आपको कोई अच्छी बिल्वपत्र की लकड़ी से बना लें, ऐसा लिख लें, हल्दी से लिख लें, या आपको हल्दी भी ना, हल्दी तो आसानी से मिल जाएगी, हल्दी भिंगो के उसमें लिख लें हल्दी से, और इसको धारण कर लें हाथ में, ताबीज में पहन लिया, गले में धारण कर लें, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपको उपाय यह है कि ये इसका जो, इसके लिए मंत्र मैंने दिया लिख रखा है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुअंतकारी भानी ससु भूमि सुतो बुदोष गुरु शुक्र शनि राव के तो कुरंतु संप्रभा। यह सुबह इस पूरा श्लोक का सुबह कम से कम 108 बार जप करने के पश्चात इसी यंत्र को धारण करें, ठीक है। बाजार में अनेक संस्था मंत्र जीवित यंत्र बेचने का दावा करती है, और महंगे यंत्र जनता को बेचे जाते हैं, यह दावे झूठे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि कौन सा व्यक्ति यार कारखाने में मंत्र को सबको बुलाएगा और मंत्र को जीवित करेगा, और उसके मंत्र जीवित भी हो जाएंगे, फिर वो बेचेगा और बिल्डिंग बनाएगा, है ना। ऐसा तो संभव नहीं है कि वो उस आदमी को इतनी ताकत आ गई कि वो मंत्र जीवित कर ले, और मंत्र जीवित भी हो जाएंगे, फिर वो पैसे कमाएगा, बिल्डिंग बनाएगा और आपके भी भला कर देगा, ऐसा नहीं है। ये सब नकली यंत्र बाजार में बिकते हैं। इससे और भारत में यंत्रों को सिद्ध करने वाले एकाध दो कहीं होंगे, वो भी छुपे होंगे। वो यदि ईमानदार आदमी होगा तो क्यों दूसरे के लिए ये सब करेगा, वो तो बोलेगा ईश्वरी प्रार्थना कर भाई, है ना। तो ये सब नकली यंत्रों से बचें, अपने हाथ से बढ़िया जोरदार ऐसे यंत्र बना लें और पहने, देखें कितना मजा आता है ना। यदि आपको कुंडली विश्लेषण करना है तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इस मेल एड्रेस पे जानकारी ले सकते हैं कि भाई मेरी फीस क्या है। वो छोटी सी और सरल छोटी सी फीस है, नाममात्र की फीस में कुंडली विश्लेषण करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ग्रह शांति उपाय रेमेडी बड़ी सरल और शास्त्रोक्त बताई जा रही है, ठीक है।
क्लासिकल टेक्स्ट में जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर ने बताए हैं वही रेमेडी आपको सुझाया जा रही है, और ऋषि पाराशर ने विष्णु सहस्त्रनाम बताया था वही बताई जा रही है, कोई अलग से आपको चीज़ नहीं बता रही है। यदि आप धर्म प्रेमी हैं, सनातन हिंदू हों, या फिर धर्म की हिंदू धर्म से बहुत प्यार करते हो, तो गीता प्रेस के तीनों ग्रंथ जरूर ले लेना चाहिए। है कितने के? 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, मान के चलो कि 100 रुपये में तीनों किताब आ जाएगी। हार्डली बढ़ा होगा तो अब रेट 125 हो गया होगा। 1774 52, कोड नंबर 52, स्त्रोत रत्नावली, शिव स्त्रोत रत्नाकर, देवी स्त्रोत रत्नाकर, ये तीनों किताब पढ़ो, एक से एक इसमें स्त्रोत दिए हैं, बड़े जोरदार किताब है। ऋषि पाराशर ने ग्रह शांति, पाराशर मुनि के आदेश हैं, ग्रह शांति अध्याय में पाराशर मुनि बोले हैं कि जो भी व्यक्ति यदि मेरी पूजा करेगा उसको लाभ होगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है पूजा में? शांति, ग्रह शांति के लिए यज्ञ, ग्रहों का यज्ञ, जप और दान आदि के लिए कहा है। रत्नों के लिए ऋषि पाराशर ने नहीं बताई, खास बात है, ठीक है, इसलिए मैं रत्नों के लिए मना करता। यदि ऋषि पाराशर महाराज बोलते थे बताता आपको। और ऋषि पाराशर महाराज ने ब्रह्मा को बोले हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने ग्रहों को वर दिया कि जो तुम्हारी पूजा करे उसका कल्याण तुम करो, तथा पृथ्वी के सब मनुष्यों की उन्नति उन्नति संसार की उत्पत्ति प्रलय भी ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह पूजतम पूज्य देवों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। पूज्यतमा ग्रह अस्तस्मात पूज्यतमा ग्रह, ऐसा लिखा है। तो इसका ये मतलब है कि यदि आप ईश्वरी प्रार्थनाएं करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, ओम त्र्यंबकम, और राम रक्षा स्रोत और रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो, ईश्वर की किसी स्तर पे प्रार्थना करते हो, भले ही आपको भगवान ने जो भावना दी हो, हाथ तो जोड़ सकते हो ना, तो ग्रह शांति होती है। और ऐसे ही नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि जो ईश्वर की भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, उनको ग्रह शांति उनकी होती, समस्त ऋणों से उऋण हो जाते हैं। और गीता में 9:23 में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान पत्र से, पुष्प से, जल से, फल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें दो ग्रंथों का स्पेशल मैंने योगदान है, वृहद देवज्ञरंजनम और प्रश्न मार्ग, ठीक है, और प्रश्न मार्ग में ये जो ग्रंथ प्रश्न मार्ग, इसमें बोला है अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के शांत्यर्थ धारण करने योग रत्न दान की वस्तु में वर्जित बतलाएंगे। जैसे कोई ग्रह आपका नीच का है या 6, 8, 12 में है, तो उनके ग्रंथ, उनके नग्न नगीने नहीं पहनने चाहिए और उनके दान भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। उनके लिए यही बताया, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती, शिव की आराधना करें, ये बताया। इसमें ग्रंथ प्रश्न मार्ग में बताया, सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का गारुड़, ये आप लोग रोक के देख सकते हैं। और ये जानकारी तो इतनी कॉमन है कि भाई ये शनि के लिए नीला, मेहराहु के लिए गुमे, देख केतु के लिए वैदूर्य, लहसुनिया, ये जनता को बड़ा मालूम है भैया। वक्त जनता को क्या नहीं मालूम, जनता को यह नहीं मालूम है कि बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम होता है, जनता को यह नहीं मालूम है कि राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से राहु संत है, क्योंकि बताया नहीं गया है। क्योंकि इसका प्रचार हो जाएगा तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे, मार्केट में ताले लग जाएंगे, रत्न नहीं बिकेंगे, है ना। सूर्य की प्रसन्नता के लिए गोदान, चंद्रमा के लिए शंखदान, मंगल के लिए लाल वृषभ बैल, बुध के लिए सोना, गुरु के लिए पीला वस्त्र, शुक्र के लिए सफेद घोड़ा, चांदी शनि के लिए कृष्ण गो, राहु के लिए भेड़, केतु के लिए भेड़ हाथी आदि बताए गए दान के लिए। अब हाथी संभव नहीं है। इसमें ग्रंथ प्रश्न मार्ग में बताया है कि शुद्ध विचारों से, ईश्वर की वेद ध्वनि सुनने से, धार्मिक होने से, आध्यात्मिक होने से, चैरिटी करने से, लोगों की मदद करने से ग्रह पीड़ा शांत होती है। प्रतिदिन ये सब कृत्य करो, बढ़िया ठीक होगा। अब बुध का वैदिक मंत्र, ये सबसे ऋषि पाराशर ने यही सुझाया है, बुध का वैदिक मंत्र 9000 पढ़ो, बुध की शांति होगी। कैसे पढ़ेंगे? ओम उद बुद्ध स्वागने प्रति जाग्रही त्वम मिष्टा पूर्ते सा ग्वम सृजे थामय चा अस्मिन्त सदस्ते अध्युत्तर अश्मिन विश्वे देवा यजमानश सीदत। इसकी और ये वैदिक मंत्र है, संस्कृत आप जानते हो बनती नहीं है। ये जो ऐसा, ये ग्वम जो है ना, ये ग्वम का ये ऐसे दिए हुए, कई जगह ऐसा लिखा हुआ ग्वम, तो ये ग्वम मतलब ये ग्वम का चिन्ह है, ग्वम गणपति गवा महे गम बोलते हैं ना, वही है ये मैंने इसके चिन्ह की जगह यानी ग्वम लिख दिया है, जिससे पढ़ने की आपको आसान हो, कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो ये ओरिजिनल मंत्र है, ऋषि पाराशर ने भी इसी को बताया, इसी से ग्रह शांति होगी, कोई नगीने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गरीब आदमी कहाँ नगीना पहनेगा यार। तो ये बात आई, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। प्रियंगु कलिका भांसम रूपेण प्रतिम बुधम सौम्य सौम्य गुणात् पेतम बुध
बुध मा वाहयाम्यहम, ये बुध का नमस्कार मंत्र है, नवग्रह स्त्रोत से लिया गया है। प्रियंगु कलिका भाषम रूपेण प्रतिम्बुदम सौम्य सौम्य गुणोपेतम बुध बुध मा वाहयाम्यम, ये जो है नवग्रह स्त्रोतम से लिया। ठीक है, अब मैं आप पूरा मेरा वीडियो जरूर सुनने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। आप लोग ऐसे बहुत सारे वीडियो देखते हो पढ़ते हो, है ना, लेकिन इसी के लिए मैं यदि आपको कह रहा हूँ तो भाई इसमें दम तो है कि क्यों मैं यही वीडियो के लिए आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं जनरली कहता नहीं हूँ कि भाई तुमको जो लगे देखो, नहीं तो मत देखो ना, ऐसा रहता मेरा। तो अब ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये वाली स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दान की पात्रता किसे, देखो भैया ये चैनल बना रहा हूँ, अब गरीब झोपड़पट्टी में आदमी बैठ के देख रहा होगा, दिनेश शर्मा का वीडियो लग गया, सुन रहे हैं, दान देना बोले हाथी धन घोड़ा, अरे मूर्ख तेरे पास कुछ नहीं है तो मत देना, ईश्वर की प्रार्थना करना। ये दान उन लोगों के लिए जो बहुत संपन्न है, उन लोगों के लिए दान, गरीब लोगों के लिए दान नहीं। हम बेचारे शाम को मजदूर आता है फिर जाता है फिर मजदूरी करता है, उसके लिए क्या दान यार, मेरे को भी पाप लग जाएगा। गरीब लोगों को दान नहीं देने की व्यवस्था है शास्त्र में, कहा गरीब दान ना दें, गरीब अपना पेट भरे भैया, संपन्न लोग दान दें। ठीक है, और चोरी चमारी का भी धन, चोरी चमारी या अन्याय तरीके से, अन्याय तरीके से अर्जित उपार्जित धन से के दान से भी कोई फायदा नहीं होता। तो भैया मिडिल क्लास के लोगों, आपको दान नहीं देना है, नहीं तो मेरे को गाली देना फिर बाद में, है ना। तो ये मैंने बात स्लाइड भूल गया था तो ये बता दिया। अब चलते हैं, यहाँ पहुँचे, ये बुद्ध का वैदिक दान, ये स्लाइड जो नंबर है मेरी 19 नंबर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप, यदि आपको बोलते नहीं बन रहा तो आप क्या करोगे, बोलते नहीं बन रहा तो बुद्ध के वैदिक मंत्र लिखो गूगल में, तो प्रोनाउंसिएशन मेरे से अच्छा, मैं तो वही बहुत कर्मकांडी हूँ नहीं, तो मेरे से अच्छा भी प्रोनाउंसिएशन वो मिल जाएगा। प्रोनाउंसिएशन सीख लेना तो मजा आ जाएगा, लेकिन आपको बता दिया गम को, ये जो बिंदु लगी है ये गम कहलाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं साहब धीरे धीरे। जो बुद्ध का वैदिक मंत्र मेरे द्वारा पूर्णतः अच्छे से बता दिया गया, यही मुख्य मंत्र है बुद्ध का वैदिक मंत्र। ओम उद्बुद्ध स्वागने प्रति जागृही त्वमिष्टा पूर्ते सागम सृजे थामयम च अस्मिन् तत्सदस्ते अध्युत्तर अस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्चिदत्। मेरे से भी अच्छा कोई प्रोनाउंसिएशन बताता तो गूगल में देख लिख लेना, पढ़ लेना, सुन लेना यूट्यूब में, कि भाई मैं कर्मकांडी तो हूँ नहीं। ठीक है, तो गूगल में बुद्ध का वैदिक मंत्र ऐसा लिखोगे तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन बताएगा आपको कर्मकांडी। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा बताएगा। यार मेरी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मंत्र पढ़ने की। ठीक है, मैं क्या है कि वीडियो बनाने वाला आदमी हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ यार। ठीक है, लेकिन मैं प्रयास ये करता हूँ कि सही मैसेज जनता तक जाए। और ये बुद्ध के वैदिक मंत्र है, ओम एम स्त्रीम श्री बुद्धाय नमः, ओम सौम्य रूपाय विद्धे वाणीशाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। धीमहि तन्न, जैसे ही धीमहि लगे मत जाइए, गायत्री बुद्ध मंत्र है। ठीक है, जैसे ही धीमहि लग जाए समझ जाओ सूर्य गायत्री, बुध गायत्री, मंगल गायत्री, ऐसे केतु गायत्री, सभी का मंत्र बने हैं। ठीक है, तो ये बुध गायत्री बुध मंत्र है, ये बुध नमस्कार है वैदिक, ये जो नवग्रह स्त्रोत से। ठीक है, इसका भी पाठ कर लो, जो अच्छा लगे वो कर लो, हमको कोई वो नहीं है। ओम बुध, ओम बुम बुद्धाय नमः, सप्ताक्षर मंत्र, सात अक्षरों का। ये दशाक्षर मंत्र, ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम स बुद्धाय नमः। ठीक है, इस मंत्र को पढ़ के मैंने जो बताया था, जो मंत्रों का वो नहीं बताया था मैंने आपको, ये इस प्रकार मंत्रों को पढ़ के जो जो भी क्षमता के अनुसार मंत्र साध लो, और देखो अपने हाथ से मंत्र बन जाएगा यार। कहाँ चकल्लस में पढ़े हो यार, लुटेरों के पास जाओगे लूट लेंगे, वो बैठा ही है लुटेरा लूटने के लिए, है ना, आपको पन्ना से नीचे नहीं बताएगा। अब भी मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, मेरे पास रायसेन मध्य प्रदेश से एक पाटीदार साहब का फोन आया था, वो बोले साहब मैंने अपने घर का सामान बेच बेच के हीरे मोती पहने, लेकिन मैं बर्बाद हुआ, मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। तो आपकी भलाई के लिए सब काम कर रहा हूँ मैं, लोगों को, लुटेरों को बहुत कष्ट लगता है, लुटेरे बहुत तकलीफ में मेरे वीडियो से। बुध स्त्रोत का पाठ करें, बुध कवच होता है, बुध मंगल स्त्रोतम होता है, बुध अष्टोत्तर सत नामावली, मतलब बुध के 108 नाम, और बुध पंच विंशति नाम, ये भी एक स्त्रोत होता है। तो ये जनरली मंत्र जाप 9000 करने के लिए बोले हैं ऋषि पारसर महाराज ने, है ना। और नवग्रह स्त्रोत्रम की पाठ तो मैं हमेशा सबको बताता ही रहता हूँ। अब यहाँ से वीडियो चालू होता है,
श्रीपति महाराज ने बोले हैं कि गोचर में यदि बुध नीच का हो जाए तो या अनिष्ट हो जाए तो गोबर चंदन चावल फल चंदन शहद सीप भावमूल और स्वर्ण के समान करने स्वर्ण के स्नान करने से बुध की अशुभता नष्ट होती है, बुध के दोष नष्ट हो। देखो अब गोबर मैंने बोला ना, गोबर सांकेतिक थोड़ा सा आप गोबर का टुकड़ा वो थोड़ा सा गीला गोबर थोड़ा सा पानी में डालने का, ज़्यादा नहीं भैया, नहीं तो गोबर ही रंग लो पूरा, है ना। आप वैज्ञानिक बनने की भी ज़्यादा थी, सांकेतिक चंदन चावल फल चंदन शहद शीप भावमूल और स्वर्ण के स्नान करने से बुध की अशुभता नष्ट होती है। गोबर है सांकेतिक ले लेना भाई, मैं अवैज्ञानिक नहीं बनाऊंगा जनता को। यदि गोचर में शनि अनिष्ट हो तो ग्रह शांति के उपाय दान बताया, सूर्य का पान है, चंद्र का चंदन है, मंगल का भोजन कराना, बुध का फूल दान। अब फूल दान करने का मेरे को समझ में नहीं आई स्थिति यार। गुरु के लिए विष्णु सहस्रनाम, शुक्र के लिए सफेद वस्त्र, शनि के लिए तेल का दान, राहु के लिए ब्रह्मा को नमस्कार, भगवान विष्णु को विष्णु सहस्रनाम पढ़ो, केतु के लिए ब्रह्मा को नमस्कार या ब्राह्मण को विष्णु सहस्रनाम पढ़ो, ठीक है। तो फूल दान करने से अच्छा है कोई चैरिटी भी कर सकते हो, जो व्यक्ति फूलों का काम करता है उसकी चैरिटी कर दो, फूल से रिलेटेड कोई चैरिटी कर दो। शादियों में कई होता है ना कि भैया कोई किसी के यहाँ शादी हो रही है तो बोले यार ये गरीब आदमी की फैमिली को हम पूरा फूल देंगे और अपना सुहागरात वो सजाएगा खुश रहेगा, शादियों में फूल दान कर दो, इस तरीके से कर दो, है ना। बुध दोष निवृत्ति के लिए दान, ये ज्योतिर्निबंध ग्रंथ से नीला वस्त्र मूंग रत्न दासी सोना घी कांसा हाथी का दांत बकरा चांदी समस्त पुष्पों का दान करने से दोष समाप्त होता है, बुध अरष्टि शांति होती है। अब नीला वस्त्र लोग क्या करते हैं, दान के नाम पे सेठ जी को बोलते सेठ जी नीला कपड़ा देना सड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल सस्ता। अरे मूर्खो ऐसा दान ना करो, इसलिए तो बोल दिया हूँ, इसलिए नहीं करो दान क्योंकि दान गरीब लोगों को नहीं करना चाहिए। भैया यदि दान कर ही रहे हो तो ब्रांडेड नीली शर्ट दो पहनने के लिए किसी को, अच्छी कंपनी मेडेड तो दान कहलाएगा, है ना। और गरीब व्यक्ति को दो, उससे पूछ लो उसकी जरूरत पूछ लो तो मजा आएगा। अपात्र व्यक्ति को दान नहीं देना, दान दिया दारू पी के पी गया वो तो उसको भी दुष्टों को दान नहीं देना, ठीक है। तो कोशिश करो कि MDM का स्कूल में दान करो, स्कूलों में आप कोई नीला वस्त्र बच्चों की नीली शर्ट है स्कूल में दान दे दो, है ना। और रत्न मूंगा यानी मूंग तो मूंग दाल MDM के स्कूलों में चलता है, MDM मध्यान्ह भोजन उनमें मूंग की दाल दे दो, और घी कासा है कांसे की थाली दे सकते हैं, है ना। हाथी का दांत तो अब गलत बात है, वो बकरा चांदी है ना। तो देखो सब में बढ़िया मूंग की दान MDM में दान दो मस्त, ठीक है। स्कूलों में जाके MDM में दान करो, ग्रह शांति होगी, सरकार भी थोड़ी राहत महसूस करेगी दानी लोग दान कर रहे हैं। अमृत कुंभ ग्रंथ से लिखा दो अमृत कुंभ ग्रंथ है, उसमें बताया है बुध के लिए लाल वस्त्र नीला धान्य और लाल सोना चंदन नारंगी आदि स्व समय पर उपलब्ध फल का दान करने से अशुभता नष्ट होती है। बुध के लिए बुधवार के दिन जो होता है बुध का दान करना चाहिए, ठीक है। लाल वस्त्र स्टैंडर्ड की लाल शर्ट कोई पहनने का इच्छुक गरीब परिवार का लोग, थोड़ा अच्छा दो, गंदा मत दो, नहीं तो मत दो यार, नहीं देने का मन है। स्मृति ग्रंथ में लिखा है कि कोई भी ग्रह खराब हो, ग्रह दोष, आजकल मुद्रिका या अंगूठी पहनने का चलन है, 12 भाग चांदी 16 भाग तांबा 10 भाग सोना, इसकी अंगूठी बनाओ तो जल्दी दरिद्रता नाश हो जाता है, ऐसा स्मृति ग्रंथ में लिखा है। अब ये जो है ग्रह दोष निवृत्ति के लिए जड़ भी बताया, कोई गरीब व्यक्ति है यार रत्न नहीं पहन पा रहा, तो हमारे जो ऋषि मुनि बड़े दयालु थे, लुटेरे नहीं थे वो, मोर चिंता मुड़ी पीष्टिका से लिया हूँ ये, आर्थिक परेशानी हो बिल्कुल पैसा ना हो तो रत्न की जगह जड़ी, रत्न अभावे जड़ी ऐसा लिखा है, सूर्य के लिए बेल की जड़, चंद्र के लिए खिरनी की जड़, मंगल के लिए नागजीवा की जड़, बुध के लिए विधार की जड़ विधार, गुरु के लिए भांगी की जड़, शुक्र के लिए सिंहपुष्प की जड़, शनि के लिए विच्छोल की जड़, राहु के लिए मलय चंदन की जड़, केतु के लिए अश्वगंध की जड़, ठीक है। अब चलते हैं ग्रहों की दक्षिणा, सूर्य के लिए गाय, चंद्रमा के लिए शंख, मंगल के लिए लाल बैल, बुध के लिए स्वर्ण, गुरु के लिए पीला वस्त्र, शुक्र का सफेद घोड़ा, शनि की काली गाय, राहु का काला लोहा, केतु का बकरा। अब शुक्र के लिए सफेद घोड़ा, तो हम बच्चों को खिलौना भी सफेद घोड़ा का दे सकते हैं यार, कुछ ना कुछ तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ज्योतिषियों को भी दान देना चाहिए, काय को दें भैया, ज्योतिषी 15-15 हजार रुपया ले रहा है फी, तो उसको दान ना दो, दान उस ज्योतिषी को दो जो नियम कानून से नगीने नहीं बताता हो किसी को, ईमानदार ज्योतिषी हो, लोगों की मदद करता हो, उसको दान दो, है ना। तो दान देने में पात्र अपात्र का ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कृष्ण बोलते पत्र पुष्प फल जल सबसे प्रसन्न हो जाता हूँ, बस प्यार से मेरे को सेवा कर। गुरु बृहस्पति ने बताया कि यदि यज्ञ करने की सामर्थ्य भी ना हो तो उनके मंत्रों की तत्संख्या समान जप, और जप की शक्ति ना हो तो दान रूप द्रव्य मतलब धन, दक्षिणा देने का भी अभाव हो तो तर्पण भगवान के नाम पे जल ही छोड़ दो। देखिए कितने दयालु थे बृहस्पति महाराज, है ना। और अभी का कर्म कांड कैसे आपको नियम में मिल जाता है और डराता है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, तेरा राहु लग गया, तू बर्बाद हो जाएगा, तू बोलते हैं तू, है ना। अफ्रीका के एक जातक ने बताया मेरे को तू बोल रहा था तू बर्बाद हो जाएगा, बोले। इतने कमीने लोग हैं ना, मैं बता नहीं सकता, नीच किस्म के लोग हैं ये। बृहस्पति का स्लाइड बढ़िया कॉपी पेस्ट कर लेना और उस महाराज के मुंह पे घुसेड़ देना बिल्कुल, इसको पेस्ट करके दुष्ट लोगों के, ठीक है। विशेष उपाय, देवता और ब्राह्मण की वंदना से प्रतिदिन गुरु की आज्ञा, सज्जनों के भाषण से, वेद कथा सुनने से, होम से, यज्ञ से, पवित्र मन की भावना से, जप से, दान से, ग्रहों से उत्पन्न अनिष्ट ग्रह की शांति हो जाती। पैसा लगा क्या यहाँ, है ना, नहीं लगा ना पैसा। मार्केट की लूट से बचना होगा और कम से कम 5-5 लोगों को बचाना होगा, तब ग्रह शांति होगी। ये इस वीडियो का प्रचार करो। आचार्य श्रीपति ने बताया है भौम और सूर्य के अनिष्ट होने पर मूंगा औल्ले भैया सरल उपाय। भारत में अभी रत्नों के दीवाने हैं लोग, पागलों की तरह घूम रहे हैं रत्नों के पीछे। झोपड़पट्टी का आदमी भी रत्न पहनना चाहता, नीलम काम वाली बाई का लड़का भी नीलम पहनने के लिए दीवाना है। उपाय बताता हूँ। आचार्य श्रीपति ने बताया, बुरा नहीं मानना, गाली देना तो श्रीपति जी को दो, मुझे मत देना भी। भौम और सूर्य के अनिष्ट होने पर मूंगा, शुक्र और चंद्र के अनिष्ट होने पर चांदी, बुध के अनिष्ट होने पर सोना, गुरु के अनिष्ट होने पर मोती, शनि के अनिष्ट होने पर लोहा, और राहु केतु के अनिष्ट होने पर लाजावर्त। ये बिल्कुल सस्ता आइटम बता दिया, मूंगा बहुत सस्ता है। देखो सूर्य का माणिक बताते उसके जगह मूंगा पहन लो भैया, और शुक्र के लिए हीरा बताते उसके लिए चांदी पहन लो, बुध के लिए पन्ना बताते उसकी जगह सोना, तो सबके पास थोड़ा बहुत रहता ही है वो पहन लो। गुरु के लिए पुखराज बताता तो मोती पहन लो सस्ता, शनि के लिए नीलम बताता लोहा पहन लो। नीलम नहीं बताया, बताया समझ गया ना। अब ये नीलम का और तोड़ बताता हूँ, ठीक, चिंता मत करो, बहुत मटेरियल है मेरे पास। ये बताया योगी परमहंस ने बताया कि उन्होंने अपने चेले को कहा, सामान्य प्रयोजनों के लिए सोना और चांदी और तांबे का कड़ा धारण करने का परामर्श दिया करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ विशेष फल लाभ के लिए तुम चांदी और शीशे का कड़ा धारण, चांदी और शीशे का कड़ा धारण करो तो ग्रह शांति होगी। देखिए सिख समाज के सारे युवक अपने हाथों में कड़ा रख पहनते हैं, मतलब कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है उसका। ये देखो, अनन्य चिंतित तमाम जना परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तां ते योगक्षेम वहामि। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से प्यार से मेरी पूजा करेगा सब तेरी मदद करूंगा, ठीक है। फिर बोलते हैं गीता में 9:26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्ति अपेक्षित तथा हम भक्ति उपरतम अश्रामी पैतात्मा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता तो मैं सब स्वीकार करता हूँ। इफ वन ऑफर मी विथ लव एंड डिवोशन अ लीफ अ फ्लावर अ फ्रूट और वाटर आई विल एक्सेप्ट इट। भैया यहाँ पे कोई वो नगनगीना नहीं है, काल सर्प योग, बड़ी पूजा 3 लाख की 4 लाख की मैं करा दूंगा, देना मुंह में अच्छा चट्टा एक ठो, पैसा लूट ले तो। अब मैं बताता हूँ कि बढ़िया से आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आप चाहते हो कि इसमें कैसे बुध नीच का होगा, यदि बुध कैसे खराब हो गया, ये छठा में यहाँ बुध उच्च के होगा भी मेष लग्न की कुंडली में, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। ये यहाँ अनिष्ट हो गया, ये अनिष्ट हो गया, ये 12वें में तो नीच का हो गया, तो मेष लग्न कुंडली में ये दो भाव में अनिष्ट हो गया, तो उपाय कर लेना भैया। विष्णु सहस्रनाम है ना, ऋषि पाराशर ने हर बात के लिए विष्णु सहस्रनाम बताया, जब भी बुध का कहीं नाम आया विष्णु सहस्रनाम, बिना पैसे के सस्ता उपाय। अब देखिए वृषभ लग्न कुंडली में ये 12वें में अनिष्ट, ये 8वें में अनिष्ट और ये 6ठे भाव में अनिष्ट हो गए और यहाँ पे नीच के हो गए वृषभ लग्न में, ठीक है। तो उपाय कर लो विष्णु सहस्रनाम, मैंने ढेर सारे उपाय बता दिए आपको। तो ये 12वें में अनिष्ट, ये 10वें भाव में नीच के हो गए अनिष्ट हो गए, और यहाँ अनिष्ट हो गए 8वें भाव में, ये अनिष्ट हो गए, ये हो गए मिथुन लग्न, ये कर्क लग्न, कर्क लग्न में ये 12वां भाव अनिष्ट, ये 9वें भाव में नीच के हो गए, और ये 8वें भाव अनिष्ट हो गए, ये 6ठे भाव में अनिष्ट हो गए। अनिष्ट बता रहा हूँ, केवल अनिष्ट मतलब खराब। सिंह लग्न की कुंडली, ये यहाँ पे अनिष्ट 12वें भाव में थे, नीच के ही हो गए अनिष्ट, और यहाँ पे अनिष्ट हो गए 6ठे में सिंह लग्न। कन्या लग्न, ये 7वें भाव में अनिष्ट और यहाँ अनिष्ट,
ये आठवें मानिष्ठ, ये बारहवें मानिष्ठ। तुला लग्न की कुंडली, ये छठा भाव अनिष्ट, कर्सर देखना भाई, और ये आठवां भाव, ये बार भाव अनिष्ट, ठीक है। और नीच के, यहाँ पे नीच के भी हो गए छठे में, देखो तो उपाय कर लो। वृश्चिक लग्न की कुंडली, ये बारहवें मानिष्ठ, ये तीसरे में तो स्वराशि के बैठे हैं, उतने समस्या नहीं है, ये तीसरे में स्वराशि के बुध है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ मेष राशि के अनिष्ट है, और ये नीच के हो गए यहाँ पे, तो इसके उपाय कर लो। धनु लग्न, ये बार चौथे स्थान पर नीच के हो गए, माता का सुख में कमी, ठीक है। ये भैया यहाँ पे, ये छठा, ये आठवां और ये बारहवां, ये अनिष्ट हो गए, उपाय कर लो। मकर लग्न, ये अनिष्ट हो गए बारहवें में, ये छठे में अनिष्ट हो गए, और यहाँ पे बुध में स्वराशि के बैठे, कोई दिक्कत नहीं, ये नीच के हो गए भैया यहाँ पे, ठीक है, तीसरे स्थान पे धनु लग्न, मकर लग्न। और ये आ गया कुंभ लग्न की कुंडली, ये दूसरे स्थान पे वाणी विकार हो गया, जातक बोलेगा तो झगड़ा हो जाएगा, बोलने से बड़ा झगड़ा। कुंभ लग्न की कुंडली में धन स्थान पे बुध नीच के होकर, बुध वागीश है, वाणीश्वर, वाणी वाणी के मालिक हैं, बोलने से झगड़ा। ये बुध यहाँ बैठ गए, अनिष्ट हो गए, ये अनिष्ट हो गए, यहाँ पे देखो उच्च के हो गए यहाँ पे बुध, अब बुध उच्च के हो गए हैं आठवें स्थान पे मकर लग्न कुंडली में, तो अच्छे हो गए भैया, ये अच्छे फल देंगे, और यहाँ अनिष्ट हो गए, उपाय कर लो। मीन लग्न की कुंडली, देखो लग्न में ही बुध हो तो नीच के हो गए, ये यहाँ पे बिगड़ गए आठवें बारहवें में, या आठवें में बिगड़ गए, और यहाँ पे ये बिगड़ गए, ठीक है। ऐसा हो तो उपाय करने की बात कहाँ है। वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, पब्लिक के बीच में भेजें, तो लूटपाट से लोगों को थोड़ा बचाव होगा, नहीं तो लूटते रहोगे, घर बेच के मूंगा नगीना पगलों की तरह पहनते रहोगे, डरते रहोगे, अरे दो ढाई साल में ग्रह दशाएं ठीक होती, सबका भला होता है, इतने लुटेरे हैं, लूटने का काम बैठे ही मार्केट में दुकान लगा के, है ना, तो सावधान रहो। लोगों का काम है लूटना, आपका काम है बचना, आपको बचने की जिम्मेदारी है ना। फिर बता देता हूँ बुद्ध का वैदिक मंत्र, ओम उद्बुद्ध स्वागने प्रतिजाग्रही त्वम त्वम मिष्टातम पूर्ते स्वागम सजात सृजे था मयम चा अस्मिन तस्सदस्ते अद्युस्तरस्मिन विश्वे देवा ये मनस स्थित। इस मंत्र का 9000 पाठ करो, बुद्ध की शांति होगी, सब भला होगा, चंगा टेंशन नहीं, सब चंगा सी। हरे कृष्णा बोल के वीडियो को मैं अब स्थायी रूप से बंद करता हूँ, है ना, हरे कृष्णा।